अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल इसमें थ्योरी में, क्लासिकल जो थॉट है उसमें किस तरह लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। तो लेबर मार्केट को इक्विलिब्रियम में पढ़ने से पहले हमें पहले जानना होगा डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी देख लें, ठीक है। वो है कि द हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल लेबर मार्केट एनालिसिस इज द अजम्पशन दैट मार्केट वर्क्स वेल। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मार्केट पे बिलीव करते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई पे बिलीवर हैं, ठीक है ना। मार्केट का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट डिमांड और सप्लाई उसको क्लियर करती है ना, ठीक है। और इसमें यानी डिमांड एंड सप्लाई आर दे आर उसको वो क्लासिकल कहते हैं इनविजिबल हैंड, ठीक है। इनविजिबल हैंड कहते हैं, और वो कहते हैं ये मार्केट खुद अपने आप को क्लियर करती है, ठीक है। फर्म एंड इंडिविजुअल वर्क्स ऑप्टिमाइज, ये फर्म है और इंडिविजुअल है, ये वर्कर जो हैं ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। दे हैव परफेक्ट कंफर्मेशन अबाउट दे हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रेलेवेंट प्राइसेस, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी वर्कर हैं उनको मार्केट का पता होता है कि प्राइसेस क्या हैं। यहाँ पर ये जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसमें ये मेन चीज़ है। क्लासिकल कहते हैं कि देयर आर नो बैरियर्स टू एडजस्टमेंट ऑफ मनी वेजेस। यानी यूजुअली तो बैरियर्स होते हैं वेजेस में, कि फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी इदारा ले लें तो वहाँ पर ट्रेड यूनियंस होती हैं, और ट्रेड यूनियन जो होती हैं वो मनी वेज में कट एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है ना। वेज रेट कट का मतलब है कि वेजेस को कम अगर कर दें तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रेड यूनियन हड़तालें करती हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ाएं तनख्वाहें बढ़ाएं। तो यहाँ पर वेज कट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर लिखे क्लासिकल बिलीव करते हैं कि देयर आर नो बैरियर टू एडजस्टमेंट ऑफ मनी वेजेस। यानी अगर तनख्वाह इंक्रीज हो सकती है लेकिन डिक्रीज भी हो सकती है, और कोई बैरियर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो पैराग्राफ में बाद में पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर क्लासिकल बिलीवर हैं परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये इक्विलिब्रियम पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में हमने यहाँ पर आउटपुट ले लें, और यहाँ पर हम ले लें जी परफेक्ट कंपटीशन है तो यहाँ पर बराबर था प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू सारे बराबर थे, याद हो आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिन रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ था, जब मार्जिन कॉस्ट बराबर था मार्जिन रेवेन्यू के, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे क्या है जी, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी क्यूज डायरेक्ट, अब ये ऑप्टिमल है, ये ऑप्टिमल आउटपुट थी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में किस तरफ जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आ गया, जब एवरेज रेवेन्यू सॉरी मार्जिन रेवेन्यू बराबर है मार्जिन कॉस्ट के। अब परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि ये देखें इधर ये प्राइस के बराबर है, ठीक है, प्राइस के बराबर है। अब मार्जिन कॉस्ट किसके बराबर है, ठीक है। अभी मैं मार्जिन कॉस्ट आप लोगों को लिखा के देता हूँ कि मार्जिन कॉस्ट किसके बराबर है। यहाँ देख लें, इधर मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, चेंज इन कॉस्ट डी की डी सी बाय डी क्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है। ये मार्जिन कॉस्ट का फॉर्मूला है, यानी चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। व्हाट इज मार्जिन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ चेंज इन कॉस्ट, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, लेबर की जगह मैं एन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ एन, और यहाँ पर चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन एन। यानी व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर दिया है बाय डी एन,
और एस को भी डिवाइड कर दिया बाई डी एन। ओके, इन दोनों को मैंने डिवाइड बाई डी एन कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की, न्यूमरेटर को भी मैंने डी एन पर डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मैंने डी एन पर डिवाइड कर दिया। अब ये क्या चीज है, चेंज, अगर मैं लेबर को चेंज करूं तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, कॉस्ट में अगर मैं लेबर को चेंज करूं तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। जाहिर बात है वो क्या होगा कि सिर्फ एक दिहाड़ी डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, यानी कॉस्ट में, चूंकि यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर सिर्फ एन है, क्योंकि हम ले रहे हैं कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एन, लेबर और कैपिटल कॉन्स्टेंट है। तो हम जब सिर्फ एन को इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूरी का फर्क आएगा, ठीक है। तो डी सी बाई डी एन किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। एन को चेंज करूंगा तो सिर्फ कास्ट में कितना चेंज आएगा, वो सिर्फ एक मजदूरी होगी, एक दिहाड़ी होगी। और डी डी क्यू बाई डी एन किसके बराबर होगा, ये मार्जिनल प्रोडक्शन, ये किस चीज का फार्मूला है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर का फार्मूला है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ गया मार्जिनल कास्ट का फार्मूला आ गया। मार्जिनल कास्ट किसके बराबर है, डब्ल्यू बाई डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, अब यहां से आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, अब यहां पर ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसमें ये चीज लिखा है कि आउटपुट जो है वो कब मैक्सिमम होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो, ठीक है। इन द शॉर्ट रन यहां लिखा होगा यहां पर, द फर्म विल इंक्रीज आउटपुट अंटिल द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ आगे लिखते हैं, फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, जिस तरह मैंने आपको बता दिया मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। और यहाँ पर लिखे बिकॉज लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, तो कॉस्ट में यहाँ पर क्या होगा, जब हम कॉस्ट में चेंज करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। लेबर को चेंज करेंगे तो सिर्फ लेबर की कॉस्ट में फर्क आएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है, यहाँ पर ये इस चीज के बराबर है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको कोई यहाँ पर वो पता नहीं लगेगा कि किस तरह मार्जिनल कॉस्ट किस तरह बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आप लोगों को सिखा दी कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह डब्ल्यू बाई एम एन बाई पी के बराबर है, ठीक है। अब आगे देख लें इसको, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या चीज जरूरी थी, जिस तरह हमने कहा कि जी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट हमने लिख लिया कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर है डब्ल्यू बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये चीज आ गई, अब इसको इस तरह करना है कि इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इस साइड पे लेके आ जाए, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई बी, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। ये चीज आ गई, यहां पर आ गया ये, इसका मतलब है कि एक लेबर तब तक हम अप्लाई करेंगे, एक लेबर तब तक अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर, अगर मैं उसको यहाँ पर इस तरह लिख लूँ, इसको इस तरह लिख लूँ, इस पी को इस साइड पे लेके आ जाऊँ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस, इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको। तो हम लिख सकते हैं कि हम एक लेबर को तब तक अप्लाई करेंगे जब उसको उसका उसका मॉनेटरी वेज रेट, उसका मॉनेटरी वेज रेट, उसको जो हम दाढ़ी दे रहे हैं वो बराबर हो उसकी मार्जिनल फिजिकल वैल्यू ऑफ द मार्जिनल वैल्यू ऑफ हिज, ये है एक मिनट, हम एक लेबर को उस वक्त तक लगाएंगे जब वैल्यू टी, जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो, यानी वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कीमत, यानी वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए उसकी उसकी दिहाड़ी से, ठीक है। अगर ये उसकी वो जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर ये ज्यादा हो तो वो हम उसको काम पे लगाएंगे, ठीक है। और जब ये चीज क्या हो जाएगी, अगर ये कम हो गई तो हम उसको कभी नहीं लगाएंगे। मसलन एक शख्स, मसलन एक शख्स को, एक शख्स प्रोडक्शन कर रहा है 1000 रुपए की और मजदूरी उसकी 1200 है, तो हम कभी उसको काम पे नहीं लगाएंगे।
तब तक जब इसकी मजदूरी भी 1000 रुपये हो जाए, क्या हो जाए, मजदूरी 1000 रुपये हो जाएगा, तब हम इसको काम पे लगाएंगे। ठीक है,